नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अनअकैडमी के 7 मिनट्स ट्रिक यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। जितने भी स्टूडेंट यहां पर जुड़ चुके हैं उन सभी को यहां पर गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर संडे को यानी कि प्रत्येक रविवार हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रिक यहाँ पर आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं जो कि आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट बनती है, महत्वपूर्ण बनती है। बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जीके के और जीएस के जिनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ट्रिक्स के माध्यम से हम आसानी से उन तथ्यों को याद कर पाते हैं, उन तथ्यों को समझ पाते हैं और याद रखना आपके लिए काफी आसान हो जाता है। तो इसी क्रम में आपके लिए एक ट्रिक मैं लेकर आया हूँ। हो सकता हो कि आपने इससे पहले इसी तरह की कुछ ट्रिक्स आपने पढ़ी भी हो और आपको याद भी हो कि भारत के जितने भी आपके पड़ोसी देश बनते हैं उन सभी पड़ोसी देश जो कि भारत के साथ लैंड बाउंड्री आपकी शेयर करते हैं उनकी और उन सभी पड़ोसी देशों को याद रखने की एक ट्रिक है, वो मैं आप सभी के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ इस ट्रिक के माध्यम से हम ये भी जान सकते हैं कि किन कंट्रीज के साथ भारत की जो बाउंड्री है वो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर होती है और फिर आपकी शॉर्टेस्ट बाउंड्री आपकी जो है वो आपकी शेयर होती है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप वो भी यहाँ पर जान पाएंगे। अगर आपने अभी तक 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे आने वाले समय में इससे भी ज्यादा और बेहतरीन ट्रिक्स को यहाँ पर प्राप्त कर सके और उनके बारे में यहाँ पर जान पाए। चलिए अब बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश है उनको याद रखने की आसान ट्रिक आपके लिए यहाँ पर क्या बनती है। साथ ही साथ ये आपकी एक डबल ट्रिक है, यानी कि इसे मैं एक डुअल ट्रिक भी इसको मैं कह सकता हूँ। डुअल ट्रिक मैं इसको कैसे कह सकता हूँ, इसको मैं डुअल ट्रिक इसलिए यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि इस ट्रिक के माध्यम से आपको उन कंट्रीज के नाम भी पता चलेंगे जिनके साथ भारत की जो बाउंड्री है वो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री आपकी शेयर होती है, शॉर्टेस्ट बाउंड्री आपकी शेयर होती है, उनको भी आप लोग आसानी से याद रख पाएंगे। तो ये आपकी एक नहीं बल्कि एक दोहरी ट्रिक है। पहले हम लोग पड़ोसी देशों के नाम देखेंगे, फिर हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज यहाँ पर बाउंड्री शेयर करते हैं, लॉन्गेस्ट है, शॉर्टेस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको बस एक लाइन याद रखनी है कि बचपन में एमबीए किया, वैसे आपने शायद ये सुना भी हो या पढ़ा भी हो, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया याद रखना काफी आसान है। और बीए से आपको कंट्री का नाम जो याद रखना है वो बीए से याद रखना है आपको बांग्लादेश। बीए से आप लोग क्या याद रखेंगे, बीए से आप लोग याद रखेंगे बांग्लादेश नामक कंट्री। अब बांग्लादेश नामक अगर कंट्री आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं तो बांग्लादेश के बारे में याद रखिएगा, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लॉन्गेस्ट जो आपकी बाउंड्री है वो आपकी शेयर करता है, सबसे लॉन्गेस्ट जो बाउंड्री शेयर करता है कंट्री इंडिया के साथ, क्योंकि ये सभी कंट्री जितने भी कंट्रीज ट्रिक में आएंगे वो भारत के साथ साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, मतलब कि भारत के साथ आपके लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पर अगर आप देखिए, आपको यहाँ पर लेंथ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, आप केवल कंट्री का नाम याद रखेंगे, एग्जाम के लिए वही महत्वपूर्ण आपके लिए बनता है। बांग्लादेश की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो बांग्लादेश के साथ भारत लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। सेकंड नंबर पर भारत जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है वो चाइना के साथ करता है। तो सेकंड नंबर पर जो सीएच लिखा हुआ है इससे आपको जो कंट्री याद रखना है वो आपको याद रखना है चाइना, CHINA चाइना, CHINA चाइना कंट्री आपको यहाँ से याद रखना है। पीए से क्या याद रखेंगे, पीए से आप लोग याद रखेंगे पाकिस्तान, एन से आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर नेपाल। तो तीसरे नंबर पर भारत की सबसे लंबी जो भूमि सीमा है, लैंड बाउंड्री है, भूमि सीमा जो है लैंड बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर होती है, पाकिस्तान के साथ। और चौथे नंबर पर आता है आपका नेपाल, तो नेपाल चौथे नंबर पर हमारी सबसे लंबी जो लैंड बाउंड्री होती है वो नेपाल के साथ शेयर होती है। एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान और ए फॉर अफगानिस्तान। तो ये तीन कंट्री आपको यहाँ से याद रखने हैं, बीए से बांग्लादेश, सीएच से चाइना, पीए से पाकिस्तान, एन से नेपाल। तो लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट, भारत के साथ तीसरी सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले कंट्री का नाम तो बनता है पाकिस्तान। भारत के साथ पांचवें नंबर पर सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले कंट्री का नाम तो बनता है म्यांमार। अब देखिएगा पीओके का जो रीजन बनता है, पीओके का जो इलाका बनता है जम्मू कश्मीर के ऊपर की तरफ, वहां पर अफगानिस्तान का जो बाउंड्री है या अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो भी इंडिया के साथ आपकी साझा होती है। तो सबसे छोटी जो बाउंड्री है वो अफगानिस्तान शेयर करता है, सेकेंड नंबर पर सबसे छोटी बाउंड्री भूटान साझा करता है, पांचवें नंबर पर सबसे छोटी बाउंड्री म्यांमार साझा करता है। तो बचपन में एमबीए किया केवल आपको ये नहीं बताता कि आपको क्या क्या याद रखना है, आपको ये भी बताता है कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट बाउंड्री आपकी क्या बनती है। एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, ए फॉर अफगानिस्तान, एन फॉर नेपाल, पी ए फॉर पाकिस्तान, सी एच फॉर चाइना एंड बी ए फॉर बांग्लादेश। उम्मीद है आप इसके माध्यम से आसानी से भारत के सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले देश
और भारत के साथ लैंड बाउंड्री साझा करने वाले देश आप आसानी से याद कर लिए होंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर श्रीलंका तो कहीं नहीं आया, या श्रीलंका भी तो हमारा पड़ोसी देश है। बिल्कुल है, लेकिन श्रीलंका के साथ हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो आपकी शेयर नहीं होती, साझा नहीं होती। श्रीलंका मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट के माध्यम से भारत से अलग होता है, ये तो आपको पता है। तो श्रीलंका के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं होती, दैट्स वाई हमने उसको यहाँ पर इसमें शामिल नहीं किया है। उम्मीद है ट्रिक आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और ट्रिक्स और बेहतरीन क्लासेस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है अंकित गुप्ता, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं कहाँ पर? अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर सिंपली आप अनअकैडमी एप्लीकेशन को ऑन करें और ओपन करें और वहां पर सर्च करें अंकित गुप्ता, आपको आसानी से मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। प्रोफाइल को वहां पर फॉलो करें ताकि आगे आने वाले समय में आप लोग वहां पर और बेहतरीन क्लासेस, वहां पर पेड क्लासेस भी आपकी चल रही हैं, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं वहां पर आपकी स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं। जितनी भी आपकी स्पेशल क्लासेस चलती हैं वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आपको उसके लिए कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्री स्पेशल क्लासेस का भी आनंद उठाइए और यहाँ पर पेड क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप टारगेट 10, ये कोड का नाम रहेगा, कोड टारगेट 10, आप किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, टारगेट 10 कोड को आप लगाएंगे आपको 10% वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल, जिस पर आप ये शॉर्ट ट्रिक का वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले समय में आपको दूसरे बेहतरीन वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके और आप दूसरी क्लासेस के वीडियोस भी देख सके। थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय मुझे यहाँ पर देने के लिए। आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले संडे एक और बेहतरीन ट्रिक के साथ। धन्यवाद।